नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर तूफान को लेकर आ रही है। आज रात देश के लगभग 9 राज्य तथा 200 जिलों में तूफान का असर देखने को मिलने वाला है। साथियों बता दें, मौसम ताजा समाचार में अभी अभी इसका अलर्ट जारी किया है। एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा सहित दोस्तों लगभग 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर चक्रवाती तूफान के असर के कारण भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलने वाली है। साथियों बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र में ओलावृष्टि एक बार फिर से दोस्तों देखने को मिलेगी, जिससे किसान भाइयों की चिंताएं और भी बढ़ गई है। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और बारिश के साथ साथ दोस्तों ओलावृष्टि होने के संकेत भी मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और लगभग आधे बिहार में दोस्तों मौसम अचानक से पलटेगा और भारी बारिश होगी। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि और मौसम केंद्र के द्वारा दोस्तों चेतावनी जारी कर दी है। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बंगाल, तटीय ओडिशा, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बिहार दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर भी बारिश के साथ ओलावृष्टि के संकेत मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तर पूर्व भारत के शेष हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो जगहों पर भारी बारिश होने के संकेत हैं। वहीं साथियों पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें देखी गई हैं और ओलावृष्टि हुई है। उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़े हैं, जिससे किसान भाइयों के दोस्तों जो पकी पकाई फसलें हैं उसको नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लगभग दोस्तों कई जगह 80% तक फसल खराब हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अत्यधिक किसानों को नुकसान हुआ है और यहां पर सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों इसके आदेश जारी कर दिए हैं और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। तो दोस्तों एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 12 तारीख को बन रहा है, जिसका असर अगले 3 दिनों तक रहने वाला है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मौसम से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी खबर छूटे नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तथा बताएं आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं।